झारखंड के साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के हर प्रसाद रामपुर बस्ती में रविवार के दिन करीब 12 बजे के करीब टीना और फूस के बने चार घर में अचानक आग लग जाने के कारण सभी का आशियाना पूरी तरह जलकर खाक हो गया। वहीं इस आगजनी को फैलने से बचाने के लिए डीबीएल कंपनी के कर्मियों ने भरपूर सहयोग किया, क्योंकि बगल में ही गंगा पुल निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य में लगे डीबीएल कंपनी के पानी के टैंकरों से जल्दबाजी में आग पर काबू पाया गया। वहीं ये आग कैसे लगी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। वहीं आग लगने से मोहम्मद सागिर का घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उसने बताया कि 20,000 रुपए नगद के साथ घर का पूरा सामान, राशन, कपड़ा, गहना, अनाज, घर के दस्तावेज समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गया। इस अगजनी में उसके बगल के मोहम्मद सलाउल, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अबूसान का भी घर जलकर खाक हो गया। तभी पीड़ितों के आशियानों के साथ उनके जमीन के दस्तावेज, आधार कार्ड समेत अनाज, अन्य कई सामान भी जलकर खाक हो गया। मोहम्मद सागिर वाला। अच्छा, आपका घर जला है? मेरे घर। क्या क्या जल गया घर में? अनाज था 20-15 बारी का, 20,000 रुपया है। घर जल जितना है। कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे हैं आपके? कुछ नहीं बचा है सर हमारा। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चा है। छोटे छोटे? सब छोटे छोटे। हाँ, आपका घर का खाने पीने का सभी सामान जल गया सर? अच्छा, जितना कपड़ा था सब खत्म हो गया हमारा। यही लंगा में है सर, यही जो बचाएंगे। नहीं करता, लेकिन हवा था उस टाइम बहुत तेज हवा था जी। सब पानी लेके आगे तक आया, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा वहाँ तक। वहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा बिल्कुल। कोशिश ग्रामीण ने बहुत किया, बहुत कोशिश। अच्छा, इसमें लगभग चार घर जली है, इसमें सभी सामान जल के रखो? सब कुछ सामान जल। अच्छा, इसके जेवरात जला है, मशीन वगैरह बहुत कुछ जला है। ये घर में लगभग कितना का नुकसान होगा? सभी घर से मिला के कितना नुकसान हुआ है सर? चार घर मिलाकर कम से 5-7 लाख तक नुकसान हुआ है ना। फिलहाल चारों पीड़ित परिवारों के सर से उनका आशियाना समेत अनाज, कपड़े और अन्य कई सामानों का अभाव हो गया है। वहीं इस अगजनी की घटना के बाद दरिया दिली दिखाते हुए गंगा पुल निर्माण कर रही डीबीएल कंपनी के एजीएम भानु प्रताप सिंह ने चारों अग्नि पीड़ित परिवारों को 5,000 की राशि देकर सहयोग किया। साथ ही मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने भी अग्नित पीड़ित परिवारों को अपनी ओर से राशन का सारा सामान देते हुए उनकी मदद की। वहीं अग्नित पीड़ित परिवारों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। आपका क्या क्या जला है? हमारा पलंग, कुर्सी, अन्य टेबल, बिस्तर, ये सोलर बैटरी, ये सब बिस्तर, जो भी सामान है घर का, ये सब सामान सारा जल गया। मतलब कुल मिलाकर के कितने का जला होगा? लगभग 2.5 लाख का खर्चा हो गया। हम तो यही नुकसान हो गया।